check. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم हर किस्म की हमदो सना किबरियाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो अकेला यकता बेमिसल और बेमिसाल अनगिन दरूदो सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने उम्मत तक शरीयत का एक एक मसला पहुंचा दिया। अब खैर वही खैर है, नेकी वही नेकी है जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया, और शर भी वही शर है जिसकी खबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है। इश्तिहार में आप मेरा मौजू पढ़ चुके कि दिफाए पाकिस्तान कैसे मुमकिन है। मैं अल्लाह ताला की तौफीक से और किताब व सुन्नत के दलाइल से
इस मौजू पर पांच बातें करना चाहता हूं। अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा और फिर हम सबको इस मुल्क के दिफा करने की भी तौफीक अता फरमा। ये बात हकीकत है कि कुरान मुकद्दस से अफदल धरती पर कोई किताब नहीं है। और साहिब कुरान से अफदल धरती पर कोई इंसान नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस उम्मत का मॉडल बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा अपनाओ। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إبراهيم عليه السلام نے رب سے ایک دعا کی جس کا ذکر قرآن مقدس میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ अमन होगा तभी बाकी नेमतों से फायदा उठा सकोगे। तो मुल्क के दिफा के लिए पहला नुक्ता यह है कि इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दो। बेअमनी, दहशतगर्दी, इससे मुल्क आबाद नहीं हुआ करते, बर्बाद हुआ करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए पहली दुआ ये की, माल नहीं मांगा, मईशत के लिए पहली दुआ नहीं की, पहली दुआ ये थी कि ये बस्ती हादल बलद आमिना, यहां अमन का गहवारा हो। हमारे मुल्क के अंदर बेअमनी, खौफ, दहशतगर्दी, बम धमाके, ये पहला नुक्ता ये है कि इस उम्मत को अमन चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, अमन रब किसको देता? देने वाला तो रब है, मुल्कों को आबाद करने वाला तो रब है। बंदों के गुनाहों की वजह से बस्तियों को बर्बाद करने वाला तो रब है, अमन देता किसको है? الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون। अमन उस जमात को मिलता है, उन लोगों को मिलता है जो रब पर ईमान लेकर आते हैं और अपने ईमान में जुल्म की आमेदश नहीं करते। अल्लाह का ऐलान यह है, اولئك لهم الامن, अल्लाह ने अमन इन लोगों के लिए रखा। सवाल अमन का था, अल्लाह इस हमारे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे, हम इस मुल्क को
कयामत की दीवारों तक आबाद देखना चाहते हैं। अल्लाह कुरान में जवाब दे रहा है, अगर अपनी बस्ती में अपने मुल्क के अंदर अमन देखना चाहते हो, अमन का गहवारा चाहते हो, अपने मुल्क का दिफा चाहते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो, उसने अपनी बस्ती के लिए पहले मईशत का सवाल नहीं किया। पहला सवाल ये था, अमन होगा तो अमन के अंदर रहने वाले लोग तेरी मस्जिद बैतुल्लाह को आबाद करेंगे, अमन होगा तो यहाँ पर नमाज अदा करेंगे, अमन होगा तो तौहीद का पैगाम सुनाया जाएगा। हम भी रब तुझसे इस अपने मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, इस मुल्क का दिफा चाहते हैं। अल्लाह मैं तुझसे पूछता हूँ, इन पाकिस्तानियों को, इन अजीज वतन में रहने वाले बासियों को अमन कैसे मिलेगा, इस मुल्क का दिफा कैसे होगा। रब कुरान में कहता है, ईमान का ऐलान तुम कर दो और बस्ती में रहने वालों जुल्म को तुम छोड़ दो। अल्लाह ऐलान कर रहा है, उलाइका लहुमुल अमन, अमन भी तुम्हारे लिए होगा, हदायत का सर चश्मा भी तुम्हारे लिए होगा। दुनिया में रहोगे, मुल्क भी तुम्हारा आबाद रहेगा, दुनिया से जाओगे, जन्नत के अंदर महल भी रब तुम्हें दे देगा। पहला सवाल यह है, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا أَمَن کے ساتھ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ گویا امن جس بستی میں ہوگا وہاں رب کے ساتھ کسی قبر کو، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی سید کو، किसी मुर्दा को, किसी जिंदा को उसकी इबादत नहीं होगी। इसलिए पैगंबर ने जहां अमन मांगा है वहां सात रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट आगे और पीछे कुरान मुकद्दस में देखिए ऐलान कर दिया है। अल्लाह औलाद मेरी औलाद गैरों के दर पर सजदा ना करे, अल्लाह औलाद मेरी गैरों की नजर ना दे, अल्लाह औलाद मेरी बैतुल्लाह में चढ़ावा ना चढ़ाए, तेरे अलावा अल्लाह किसी की इबादत ना करे। साबित यह होता है, अगर मुल्क के अंदर दिफा चाहते हो, पाकिस्तान को बचाना चाहते हो, एक रास्ता है, कुरान का रास्ता है। सवाल करता चला जा, मॉडल इब्राहिम को बनाता चला जा। सवाल अमन का कर, बस्ती से और अपनी जात से शिर्क का खात्मा करना तेरा काम है, इस मुल्क को बचाना मेरे रब का काम। नंबर एक, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، अमन इनको नसीब होगा। अल्लाह वरम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, ये जुल्म क्या है जिसके करने से मुल्क खत्म हो जाते हैं और जिसके ना करने से अमन की बस्तियां कायम हो जाती है। आइए कुरान से पूछिए, क्योंकि ये स्टेज अहले कुरान का है। हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहिमहुल्ला जो जगह जगह पर रब का कलाम सुनाता रहा, मौत तक इस कुरान की आवाज बुलंद करता रहा, उसके स्टेज से मैं खड़े होकर कहानियां तुम्हें नहीं सुना सकता। आइए, हर मसला या रब के कुरान से होगा या मोहम्मद की हदीस से हो। एक मसला ज़िमनन नारे से याद है, मैं आ रहा था और जमात के मारूफ खदीब रब्बानी हाफिज़हुल्लाह ताला दर्स दे रहे, पीछे से एक नौजवान ने नारा लगाया। ईमानदारी से पूछता हूं, फैसला तुम्हारी निगाहों पर, इस कुरान पढ़ने वाले कारी की जुबान से जो कलाम
आप सुन रहे थे वो अफजल है या सैयद अफजल है? कुरान अफजल है, कुरान अफजल है। इस आदत को बंद कीजिए, जब कोई कुरान पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो और कोई आलिम, मैं तो शरीयत का तालिब इल्म हूं, कोई आलिम आ रहा हो मत नारा लगाइए रब के कलाम से बेहतर कोई कलाम नहीं। दलील क्या है? अहसनुल कलाम कलामुल्लाह। नंबर एक, जुल्म क्या है? इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम। कुरान कहता है शिर्क जुल्म अज़ीम है। इस जुल्म से तौबा कीजिए, इस जुल्म से तौबा कीजिए। कौम का बतलाइए इलाह एक है, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़िया बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत का मालिक, दिल्लत का मालिक, नफा का मालिक, नुकसान का मालिक, मौत का मालिक, हयात का मालिक, मेरा मालिक, आपका मालिक, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वो एक है। ये कौम को बतलाइए। जब कौम को यह बतलाया गया, कौम को यह बतलाया गया, बस्ती में शिर्क, बस्ती में सूद, बस्ती में कत्ल वारत, बस्ती में तलवार नियाम से बाहर, कौम को यही कहा गया, लात इलाह नहीं है, मनात मुश्किल कुशा नहीं है, उज्जा हाजत रवा नहीं है, हुबल औलाद देने वाला नहीं है। कौम चीख उठी थी अजअल अल आलिहता इलाहम वाहिदा इन हादा लशैयुन उजाब। ये कैसा पैगंबर है, ये कैसी दावत है, ये क्या कहता है? हर एक को छोड़ू, लात को छोड़ू, मनात को छोड़ू, उज्जा को छोड़ू, हुबल को छोड़ू, मेरी जबान में अजमेर को छोड़ू, हजमेर को छोड़ू, सैयद को छोड़ू, मुरीद को छोड़ू, बड़ी सरकार को छोड़ू, छोटी सरकार को छोड़ू, इलाहम वाहिदा इन हादा लशैयुन उजाब। ये तो बड़ी ताज्जुब खेज है। ये पैगाम लोगों को दीजिए, ये दावत आम कीजिए। अगर इस मुल्क का दिफा चाहते हैं, फिरका वारियत का खात्मा कीजिए। ये सबसे बड़ा नासूर है मुल्कों को तबाह करने का, कि लोगों को लड़ाया जाए, लोगों को लड़ाया जाए। मैं उसे काफिर कहता हूं, वो मुझे काफिर कहता है। वो मेरी मस्जिद, ये आपकी मस्जिद, वो मेरा मरकज, ये आपका मरकज, वो मेरा मुफ्ती, ये आपका मुफ्ती। उम्मत लड़ रही है। रब ने कुरान में कहा था वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू, फिरके फिरके ना बनना, एक हो जाना। हब्लुल्लाह हादा किताबुल्लाह, हब्लुल्लाह मुस्नद अहमद की हदीस है। ये अल्लाह की किताब, अल्लाह की रस्सी है। इस किताब को छोड़कर, इस किताब की तौहीद को छोड़कर, वो उसका अपना माबूद है, उसका अपना दाता, उसका अपना दस्तगीर है, उसका अपना गंज बख्श है, उसका अपना रंज बख्श है, उसका अपना औलाद बख्श है। मैं तुमसे पूछता हूं, जब मुल्क के वासी टुकड़ों में तकसीम होकर अपने अपने इलाह की इबादत करेंगे तो बतला अमन कैसे कायम होगा, मुल्क कैसे बचेगा, मुल्क कैसे बचेगा? और एक बात कहता हूं, मैंने पांच बातें अर्ज कर ली। नंबर एक, आओ कलमा पढ़ने वालों, मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि पांच बातें हैं। आओ कलमा पढ़ने वालों, शेखपुरा के वासियों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आओ, मैं तुम्हें उस कलमे की दावत देता हूं, उस कलमे का पैगाम देता हूं जो तेरे और मेरे दरमियान बराबर है,
कैसे? कुरान से मैंने बात शुरू की है, कुरान तेरे घर में भी, कुरान मेरे घर में भी, कारी तेरा भी, कारी अब्दुल रहमान मेरा भी, कुर्रा तेरे भी, कुर्रा मेरे भी। कुरान हर घर की दीनत है, खाल इस कुरान को, तू भी इसको सच्चा मानता है, मैं भी सच मानता हूं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, सच्ची किताब, सच्ची किताब। मैं तुम्हें इसकी तरफ बुलाता हूं, आओ अल्लाह के साथ किसी की इबादत, अल्लाह के साथ किसी की इबादत नहीं नहीं करे। तू इबादत समझ कर कर रहा, सजदे कर रहा है, नियाज़े दे रहा है, नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन की सदा बुलंद कर रहा है। दावत में फर्क है। मैं मुल्क बचाना चाहता हूं, मुल्क हमारा है, बोलिए मुल्क हमारा है, हमने इसे बनाया, हमने इसे बनाया, हमारा खानदान अंबाला शहर में कट गया था, कट गया था इस मुल्क की खातिर। और मेरा ही नहीं, महाजरों तुम्हारा भी कट गया था, तुम्हारा भी कट गया था। और याद है किस बात से कटा था? नमाजें वहां भी होती थी, मस्जिदें वहां भी थी, मदरसे वहां भी थे, कुरान वहां भी था, मुफ्ती वहां भी थे, आलिम वहां भी थे। फर्क यह था, दो कौमी नजरिया, हम एक शहर एक मुल्क चाहते थे, उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा गया था। और उस पाकिस्तान का मतलब क्या है? हाय ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वहां मूर्तियों की इबादत, पत्थरों की इबादत, वजनुबनी वबनिया अन्नाबुदल असनाम। हाय, और हम चाहते थे अल्लाह ऐसा शहर आबाद कर दे, ऐसा मुल्क अदा कर दे जहां तेरे अलावा किसी की गर्दन किसी कब्र पर ना झुके। यह है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उस पाकिस्तान इसका मतलब यह है, तर्जमा तू अपने मौलवी से करवा रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं। अब ईमानदारी से बतला, तेरी और मेरी दावत में फर्क है कि नहीं? तुझे तकलीफ होती है तो गोल्डे की फक्की लेने के लिए इस्लामाबाद में पहुंच जाता है, फर्क है तेरे और मेरे अंदर? तुझे तकलीफ होती है, मुसीबत में पहुंचता है, मेरे इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी की आवाजें लगाकर वहां पर कब्र परस्ती करता, फर्क है तुझ में और मुझ में? फिर कुरान की जबान में क्यों ना कहो, या कौमी माली अदउकुम इलन नजात वतदउननी इलन नार, ओ मेरी कौम, मेरी दावत निजात की दावत है, तेरी दावत आग की दावत। कैसे? तदउननी लिअकफुर बिल्लाह व उशरिक बी मा लैस ली बिही इल्म व अना अदउकुम इलल अजीज अल गफ्फार, तू मुझे दावत दे रहा है कि मैं रब का इनकार कर दू, रब के साथ कुफर कर दू, कि वो भी सुनता है और ये बाबे भी सुनते हैं, वो भी देखता है और ये भी देखते हैं, वो भी आता है और ये भी आ जाता है, और वो सुनता ही नहीं ये उपहुंचाते हैं। अकबर बिल्ला वह उशरी कभी मा नहीं शरी भी, नंबर एक, नंबर एक, नंबर एक। और मेरे पैगंबर ने कहा था, नंबर एक की आखिरी बात मेरे पैगंबर ने कहा था, हाय हाय, मेरे पैगंबर ने कहा था, अफरा आई तुम मा तदउन मिन दुनिल्लाह, अरे भला बताओ तो सही, बताओ तो सही, बताओ तो सही।
تدعون من دون الله جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے ہیں؟ اور محرم میں پکارا گیا, پکارا گیا, غیر اللہ کو آوازیں دی گئی. اور رب قرآن میں کہتا ہے او میرے پیغمبر ان سے پوچھ تو صحیح, بتلاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, ان ارادنی اللہ بضر, آئے آئے اگر مجھے اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے مجھے بتلاؤ, حل ہن کاشفات الضر, کیا تمہارا اس بابا اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ بولو, آواز نہیں آئی, آئے آئے نہیں کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. جب ہی کہتے ہو بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال, جب ہی کہتے ہو اور میرا پیغمبر کہہ رہا ہے رب مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ آئے آئے ان ارادنی اللہ برحمت حل ہن ممسکات برحمت قل حسبی اللہ, اے کل حسبی اللہ, اونچی آواز میں کہیے کل حسبی اللہ, ہائے ہمیں اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے. کہا اگر رب مجھے کوئی رحمتوں کی مجھ پر بارش کرنا چاہے تمہارا بابا اس رحمت کو روک سکتا؟ حسبی اللہ, مجھے اللہ ہی کافی ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا امن کا سوال کرنے سے پہلے, لوگوں نے پکڑا, آسمان کے فرشتے آئے, کہا بارش برسا کر آگ ٹھنڈی کر دوں, کہا جاؤ اور بچہ بیمار ہو اور لڑکا لذیذ ہو اور کوئی آ کر کہے یہ تعبیر لے لو بڑا چلتا ہے, یہ کہتا ہے اچھا قاری عبد الرحمن صاحب کو پتا نہ چلے, دے دے بعد میں توبہ کر لوں. اب وہابیہ ملک کا دفاع چاہتے ہو اور ساتھ ڈنڈیاں مارتے ہو, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, دلائل رکھتا ہوں, انا وجہ بصیرت کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں, یہ ملک نہیں پوری دنیا آسمان اور زمین سورج اور چاند اگر قائم ہے تو اس اہل حدیث کی وجہ سے قائم. آپ پوچھ سکتے ہیں دلیل کاری عبد الرحمان بھی دے گا, سید دے کر جائے گا, سید دے کر جائے گا. میرے پیغمبر نے کہا تھا جب تک دھرتی پر, کس پر؟ دھرتی شیخوپورہ میں نہیں, دھرتی پر ساری دنیا میں ایک بندہ بھی صحیح مسلم یہ کہتا ہوا ہوگا اللہ, کون کہتا ہے یہ؟ کون کہتا ہے؟ اونچا بولیے, کون کہتا ہے؟ ہائے ہائے وہابی کہتا ہے, وہابی کہتا ہے. تمہیں تکلیف ہوتی ہے اجمیر جاتے ہو, تکلیف ہوتی ہے اجمیر جاتے ہو, بیماری لگتی ہے بری پر جاتے ہو, کہیں مشکل پڑتی ہے باغرق کی صدا لگاتے ہو, ایک حدیث ہے تکلیف آئے مصیبت آئے پریشانی آئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہ, میرے پیغمبر نے کہا تھا ایک بندہ بھی رب کا نام لیتا ہوگا رب آسمان کو بھی قائم رکھے گا زمین کو بھی قائم رکھے گا. پھر کیوں نہ کہوں اہل حدیث دوسرے لوگوں کے لیے زمین پر رحمت بن کر آئے. نمبر ایک, نمبر ایک, امن چاہتے ہو دفاع پاکستان اس شرک کے اڈوں کو بند کرو. اور پھر قومی اسمبلی کی بات بھی سنا دیتا ہوں, ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان کے گدی نشین ہے, مقابلہ نون لیگ سے ہے, موضوع سے متعلقہ بات ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں ورنہ نہ نون کو مانتا ہوں نہ پی ٹی آئی کو مانتا ہوں, آزاد آدمی ہوں میں, یا رب کو مانتا ہوں یا رب کے نبی کو مانتا ہوں.
और रब के कुरान में और पैगंबर की शरीयत में ये वोटों का चक्कर ही कोई नहीं है, ये है ही नहीं। बहस चली सियालकोट का ख्वाजा आसिफ नून लीग का, उसने कहा जनाब जनाब स्पीकर इस शाह महमूद से पूछता हूं, ये कब्रों की नहीं मुर्दों की कमाई खाते हैं, तुम्हारी असेंबली में भी मसलक के लदीस पहुंच गया है, मुबारक हो तुम्हें, कहने वाला कोई हो रब फासिकों से भी काम ले लिया करता। कहा ये मुर्दों की कमाई, ये मुर्दे गथिया पांच पांच हजार की ये अल्फाज ख्वाजा आसिफ के हैं। और मैं हैरान होता हूं गए हैं, वो कल की खबर है शायद आपने भी पढ़ी हो, एक इलाके में जमीन को फाड़ते हुए जमीन के मालिक को मूली मिल गई, मूली को निकालने लगा, जितना ये माइक है गालबन इससे भी लंबी मूली, उसने कहा मूली है कि क्या शे, उसने उठाया मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब के पास, उसने कहा जनाब मेरी जमीन से पांच फुट की मूली निकली, उसने कहा दिखाओ, उसने कहो जहां ये मूली निकली है ना नीचे बहुत बड़ा बुजुर्ग दफन है, इस मूली को वहीं दबा दे और साथ ईंटें लगा दे ताकि पानी माना पहुंचे। डर गया भाभी, होता तो पता नहीं कितने महीने खाता ही रहता। हाय हाय, हंसने की बात नहीं रोने की बात, मूली गैब की खबरें, नीचे कोई शायद दफन, उसने गांव में बात फैल गई मूली निकली, उसने कहा यहां सलाम, उसका डेढ़ एकड़ जमीन उसने बेची मकबरा बना दी, ईंटे ईंटों से कबर, कबर से चादर, चादर से मकबरा, सबस टोपी रख ली दाढ़ी बढ़ा ली मजावर बनकर बैठ गया, डेढ़ एकड़ बेचकर मकबरा बनाया, तीस एकड़ और खरीद लिया, काम चल पड़ा। चाहते हो मुल्क में अमन, जिस कौम की हालत ये हो बड़ी मूली को भी वो, मैं एक मरतबा सऊदी अरब में था मकतब दावा में जालियात में दावत का काम करता था, वहां में एक बंगाली शेख थे हमारे, उन्होंने सुनाया एक पाकिस्तानी कहते मुझे मिले तो वहां आपको पता है हमारे यहां मेहमान आए तो नेस्ले का जूस, सऊदी अरब में मेहमान आए तो कावा और खजूर, वहां बड़ी सारी चैनक लगी हुई थी चौक में, चौक के अंदर पाकिस्तानी ने पूछा शेख से ए शादा ये क्या बनाओ इतना बड़ा चैनक और साथ टूटी और साथ चाय, उसने कहा आदम अलैहिस्सलाम की चैनक, उसने कहा ठहर दो रखते ही ना पढ़ लो। जिस कौम की यह हालत हो, जिस कौम की यह हालत हो और मुल्क उनके जिम्मे, मुल्क हमारा है, बोलिए मुल्क है हमारा है, हम इसके महाफिल हैं। नंबर दो, नंबर दो, मैंने भाई से टाइम तो पूछा ही नहीं, इन्होंने बताया नहीं है, गलती इनकी है, अब वक्त मेरा है, कहा नंबर दो मुल्क बना था, मुल्क का दिफा चाहिए, अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अहले हदीस का बच्चा जब तक जिंदा इस मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ता रहेगा इंशाल्लाह। नंबर दो, मुल्क से फिरका इबारियत को खत्म कीजिए, मौजू जो मुझे ये दिया जो मर्दी मौजू दो इंशाल्लाह कोशिश करता हूं उस पर बात करूं, बात करूं, अशआर मुझे नहीं आते सुभान अल्लाह मैं निकलवा सकता, एक दफा कहो फिर आखो कि फिर आखो, पांच मिनट तो लंघ ही जाएंगे, ये वक्त बड़ा कीमती है, ये वक्त बड़ा कीमती है, और ये बैठना अगर रब ने कबूल कर लिया इंशाल्लाह निजात हो जाएगी। नंबर दो, सुनोगे थके तो नहीं, अच्छा नंबर दो, फिरका वारियत का खात्मा, बंद करो ये फिरका बंदी, एक हो जाओ, एक हो जाओ, और सब ही कहते हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ, कादरी कादरी रहे सोहरवर्दी सोहरवर्दी रहे, नक्शबंदी नक्शबंदी रहे, वहाबी वहाबी रहे, एक हो जाओ,
एक हो जाओगे? नहीं, नहीं रब्बे मोहम्मद की कसम, एक होने का कुलिया हमारे पास है, हमारे पास है। हम तुम्हें जिस शख्सियत की तरफ दावत देते हैं कायनात में, वैसा उसकी जिंदगी में उससे पहले रब ने पैदा ही नहीं किया। वह अहसना मिन कलम तरकत तो आई नहीं, वह अजमला मिन कलम तर दिन निसाओ खुदिकता मुबर्रम मिन कुल आइबिन कअन्नक कद खुलिकता कमा तशाओ। ओए लाओ, लाओ अपने अपने इमामों को लाओ। मैं जिसकी तरफ दावत देने के लिए इस्लामाबाद से आया, पहली बात उसके जिस्म की बनावट को देखो। क्या कहा? वह अहसना मिन कलम तरकत तो ऐनु, मां ने तुझसे खूबसूरत बच्चा कभी नहीं जना। ओए लाओ, लाओ तू अपनों को लेकर आ, सरकार छोटी को नहीं बड़ी सरकार को ले, सरकार को ले। मुझे सरकारों से बड़ा वास्ता है। मैं एक सरकार को मिलने के लिए गया नदीस होने के बाद। आप कहेंगे क्या करने गया? मिलने गया था भाई, हमारा भाई है ना, बस कुर अखा आद। पैगंबर को कहा तेरी कौम को कहा तुम्हारा भाई पैगंबर बनाकर भेजा जा, भाई है ना हमारा। मिलने गया, वल्लाह अजीम बड़ा ही चिट्टा गोरा था, सफेद आदमी। मैं उसके चेहरों को देखकर हैरान हुआ कि है तो पीर है बड़ा गोरा। मैंने पूछा जनाब पीता खाना आया? हाँ सब ने खाना खाया, शाह साहब ने नहीं खाया। कहते ये खाना नहीं खाते। अच्छा ये क्या खाते? कहा ये दूध पीते। मैंने कहा किसी काले को पिला दे वो भी चिट्टा हो जाएगा, जो दूध ही पीता। ला तू चिट्टों को ला, गारों को ला, अरबियों को ला, अजमियों को ला, जवान को ला, बूढ़े को ला, जिसको भी लेकर आएगा, बड़ी सरकार को ला, छोटे को ला, इराक वाले को ला, कूफे वाले को लेकर आ। वह अहसना मिन कलम तरकत तो ऐनु, मेरे मोहम्मद से सोना किसी ने पैदा ही नहीं। फिरका वारियत का खात्मा। तुम कहो हमारा इमाम बहुत बड़ा। मैंने कब कहा छोटा? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मेरा सर का ताज, मेरी आंखों का सुरमा, उम्मत का फकीर है और अहले हदीस है। आप कहेंगे ये क्या कह दिया? उठाओ हदाया। मैं परसों देख रहा था, वफात से 5 दिन कबल मसला पूछा गया, मसला भी तुम्हारे मौसम के मुताबिक आ रहा। कहा जुराबों पर मसा, जाओ पांव धो, जुराबों पर क्या मसा होता है? वफात से 5 दिन कबल साहिबे हदाया ने लिखा है। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन बाकी रह गए मरने के। एक आदमी आकर कहता है रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस है जुराबों पर मसे की इब्ने माजा में आई है, वो ऊन के मोजे हों या चमड़े के मोजे हों, जोराबैन के लफ्ज भी आए, सनद बयान की। इमाम साहब कहने लगे बड़ी उम्दा सनद है, जिंदगी के 3 दिन बाकी। शाम को एक बंदा आया, उसने कहा इमाम मसला पूछना चाहता हूं। कहा मसला पूछो। जुराबों पर पहा, जुराबों पर मसा। कहा मेरे मोहम्मद की सुन्नत है कर, इसलिए कहता हूं इमाम मेरे दीन था, फिर भी तू लेकर आ, ला सब को लेकर आ। वह अहसना मिन कलम तरकत तू ऐनु, है कोई? है कोई? आए हाय। वह अजमला मिन कलम तलिद निसा, तुझसे खूबसूरत किसी ने कायनात में नहीं देखा, और तुझसे खूबसूरत लम तली दिन निसा किसी माँ ने बच्चा नहीं जरा। ला लेकर आ, ला हम तेरे इमाम पर जमा होने के लिए तैयार। मुल्क से फिर कबारियत को खत्म कर, लड़ाइयां बंद कर, कुफर की मशीनें चलाना बंद कर, हम एक हैं। हम बोलो हम एक हैं। कुरान बोलो एक है, कुरान अल्लाह आखिरी पैगंबर मस्जिद नबी बैतुल्लाह जन्नत, हाय हाय। और हम लेकिन किस पर? रब की तौहीद पर, मोहम्मद की खत्म नबूवत।
लेकर तो आ, लेकर तो आ। हाय हाय वाजमल मिन कलम तरिद निसा, खुलिक्त मुबर्रम मिन कुल आइब। हाय हाय हाय, कट गई यहां पर सब की जड़ें। अल्लाह ने तुझे ऐसा पैदा किया, ऐसी तकलीफ की है, हर ऐब और नक्श से पाक पैदा किया है, पाक पैदा किया है। ला तेरा इमाम, तेरा पीर, तेरा फकीर, तेरा दरवेश कोई तो लेकर आए, कोई तो लेकर आए। ऐबों से पाक है? अरे मासूम तो अंबिया होते हैं, मासूम अंबिया होते हैं। जो इमाम लिखते हैं उन्हें भी पैगाम है, इमामत का मसला भी हल है। मासूम अंबिया होते हैं, उम्मती मासूम नहीं होता, इसलिए नबी ऐबों से पाक है। आए हाय, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। यहां मेरी याद रखिएगा, बड़ा खूबसूरत तर्जमा है। कुछ और लोग कुछ और करते हैं अपनी मर्जी, ऐसे कायनात के मालिक ने ऐसी तखलीक की है जैसे गोया तेरी चाहत के मुताबिक। कैसे? कल जवान होंगे, शीशा लगेगा, आईना में देखेंगे और कोई ख्याल आ जाए, बाल ऐसे होने चाहिए थे, आंख ऐसी होनी चाहिए थी, नाक की लंबाई ऐसी होनी चाहिए थी, होंठों की गुलाई ऐसी होनी चाहिए थी। तुझे बना ही ऐसे, लाख हार भी शीशे में देखेगा कभी तुझे कोई चाहत पैदा नहीं होगी, इसलिए सारे ऐबों से पाक बनाया। इस मोहम्मद की इत्तिबा की दावत देते, यही मसलक अहले हदीस है। ये तो थी जिसमें अथर है, कोई इसका मुकाबिल? सारी रात सोचिएगा, पीरों और फकीरों से भी पूछिएगा, पूछिएगा, पूछिएगा कोई है? और अगर सब कह दें नहीं है, आप फिर सारे दुनिया के बनाए हुए उम्मती इमामों से अलहदा होकर वहाबियों के इमाम मोहम्मद के पीछे चल पर जन्नत मिल जाएगी, फिरका इबारियत का खात्मा हो जाएगा, ये फिरका बंदी की लानत से आजाद हो जाएगा और मुल्क बच जाएगा। दिफा मुमकिन है, जब हम एक होंगे कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो उस काफिर की आंख निकाल लेंगे, और जब हम फिरकों में बटे हुए होंगे वो कहेगा वाबी को मार पड़ती है मुझे क्या जरूरत है, मैं कहूंगा सुन्नी को मार पड़ रही है मुझे क्या जरूरत है। एक हो जाओ, एक हो जाओ रब के कुरान पर। ये तो था पैगंबर का जिसमें, आओ पैगंबर का किरदार, तुम जिसके पीछे चलते हो, जिसके नाम पर तुम्हारे मदर फिरके और मसलक। आओ 40 साल मक्का में गुजारे, कनपट्टियों के बाल पर सफेदी आने लगी, घर में नहीं पहाड़ की चोटी पर चढ़कर कहा फकद लबिस्तु फीकुम उम्र मिन कबले, तुम्हारे अंदर जिंदगी के 40 साल गुजार दिए, कोई है जो कहे इस जुबान से हमने झूठ सुना? किरदार भी ऐसा है, कोई इस किरदार का तुम्हारे पास? जब नहीं है तो फिर सीधी और सादी बात, अहले हदीस हो जाओ, अहले हदीस हो जाओ, फिरकों से हट जाओ। अगर फिरके की तारीफ करूं तो वक्त चाहिए, बात को आगे चलाता हूं। दुनिया से गुजर जाओगे, आखिरत में पहुंचोगे, जाना है कि नहीं जाना? मौलवी समझता है मुक्तदियों ने जाना और मैंने जनादे ही पढ़ाने, और मुक्तदी समझते हैं मौलवी कब मरे तो मैं जनादा पढ़ूं इसका भी। आए हाय हाय, जाना है कि नहीं जाना? जाएंगे, हशर का मैदान होगा। आ आ, वहां सारे ही होंगे, कूफी भी होंगे, ला यूफी भी होंगे, हुसैन के कातिल भी होंगे, सब वहां पर होंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सब वहां पर होंगे। बड़ी सरकारें भी होंगी और छोटी छोटियां भी होंगी, सारे ही होंगे, बड़े पग वाले भी होंगे और छोटे पग वाले भी होंगे। आ, फैसला तेरी निगाह पर ठा रहा है। मेरे पैगंबर ने कहा मैं औलादे आदम का सरदार होऊंगा। हाय हाय, अना सैयद वल्दे आदम, सारी आदम की औलाद का सरदार, हशर का मैदान के अंदर और हम्द का झंडा मुझ मोहम्मद के हाथ में होगा। ओ आओ, हनफी झंडी होगी,
कादरी झंडी होगी, नक्शबंदी झंडी होगी। क्यों मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्यों लड़ाइयां कर रहे हो? क्यों उम्मत को बर्बाद कर रहे हो? क्यों मस्जिदों के अंदर धमाके कर रहे हो? क्यों दहशतगर्दी की फदाए? आ दुनिया में तुझे कोई बड़ा ना मिला, शायद तेरी जिंदगी में ये सारे बड़े हों और पहले वाले इनसे भी बड़े हों, वो वहां भी होंगे। सबको तलाश कर लेना, फिर देखना झंडा किसके हाथ में होगा। अगर झंडा तेरे इमाम के हाथ में हो, तू सच्चा हम गलत, और अगर लिवाहुल हमद हमद का झंडा मेरे मोहम्मद के हाथ में, रब्बे मोहम्मद की कसम अहले दी सच्चे बाकी सब आए खाए। और फिर आखिरी बात बड़ी खूबसूरत है इस हदीस की, बड़ी खूबसूरत है। फरमाया आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया मेरे झंडे के तले होंगे, मेरे झंडे के तले होंगे, और वह भी सबसे आगे होंगे। क्यों? इनसे पूछो क्यों नमाज सीने पर हाथ बांधते, इस बच्चे से पूछो, बूढ़े से पूछो, जवान से पूछो, मर्द से पूछो, औरत से पूछो, मुखन्नस से पूछो, सीने पर हाथ क्यों बांधते हैं? कहते हैं मेरा मोहम्मद बांधते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ अहले इस्लाम, फिरकों को खत्म करो, एक हो जाओ इस मुल्क को बचाने के लिए। नंबर दो, नंबर दो, थके तो नहीं सुनोगे? फिर रात अपनी है, याद रखना। नंबर दो, एक हो जाओ। तुम कहो सैयद तो फिरके की दावत देता है, अल्लाह की कसम अलन ऐलान तौबा करूंगा, मैं फिरके की नहीं, मैं अपने नाना के दीन की दावत दे रहा, मोहम्मद के दीन की दावत दे रहा। जिसमें अथर की बात करूं, बात करूं, कहा जाओ अशरफ यहूदी को कत्ल कर दो, अशरफ के बेटे का गर्दन उड़ा दी, आते हुए टांग टूट गई, टांग टूट गई, साफा बांधा, रुमाल बांधा, अमामा बांधा, रखा करो नंगे सर ना, हर वक्त फिरा करो, बांधा करो कोई ना कोई चीज बांधा। लेट पहुंचे, कहा क्या हुआ? कहा कत्ल तो कर दिया अल्लाह के नबी, टांग टूट गई है। फरमाया दिखाओ इधर, कहा ये देखो ये टूट गई है, हड्डी रह जाओगी। आपने सीधी करके हाथ फेरा, सहाबी कहते अल्लाह के नबी ऐसा लगता था कभी जिंदगी में टांग खराब ही नहीं। अल्लाह तू अपनी सरकारों को ला, धरने में जिनके तू पसीने वाले टिशू बरकत के लिए लेता रहा, ला ला मेरे मोहम्मद के अथर के मुकाबले, जिसमें अथर के मुकाबले में हाथ फेरा। अली को बुलाया, क्यों ना आया? आंखें दुखती थी, लुआब निकाला आंखों में लगाया, ऐसा लगता था कभी आंखें खराब ही नहीं हुई। ऐ ला नंबर दो, इसी को लेकर चलूं तो वक्त चाहिए, फिरका वारियत का खात्मा चाहता हूं और यौम दिफा मनाना चाहता हूं। नंबर तीन की तरफ चलते हैं, बात लंबी ना हो जाए। नंबर तीन, नंबर तीन, नबी की अजमत, नबी की अजमत कौन बतलाएगा? अबू बकर। हाय हाय, कौन बतलाएगा? उमर फारूक, उस्मान गनी, तलहा और ज़ुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाही। आ मुल्क से फिरके वारियत का खात्मा कर, खात्मा कर, मेरे मोहम्मद के सहाबा पर जुबान लंबी ना कर, जुबान लंबी ना कर। और मेरे इस्लामाबाद में मेरी अम्मी आयशा पर, पैगंबर की बीवी पर, और चाहता यह है कि मुल्क बचे, फिरका वारियत का खात्मा हो। नंबर तीन, कराची के अंदर मेरे अमीर माविया पर, अबू सुफियान पर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक पर अलन ऐलान तबर्रा किया गया। और किस अबू बकर, किस अबू बकर, जिस जब सारी दुनिया ने मेरे मोहम्मद की तकजीब की थी, मेरे अबू बकर ने उसकी तस्दीक की थी। आए आए, किस अबू बकर पर? फिर चाहता यह है कि सुन्नी कुछ ना करे, सुन्नी बोले भी ना, मुल्क हमारा है, मुल्क हमारा है, हम अहले तौहीद ने बनाया है,
दावत फिक्र दे रहा हूं और हुकाम को भी कहना चाहता हूं, मुल्क के अंदर राह के एजेंट फसाद करवाना चाहते हैं, ये राह के एजेंट है जो फसाद करवाना चाहते हैं। और मेरे अबू बकर को गालियां, किस अबू बकर को, जिस अबू बकर ने मेरे मोहम्मद को अपने कांधों पर उठाकर गारे हिरा तक पहुंचाया था, गार तक पहुंचाया था, गार तक, आए हाय, पहाड़ी की चोटी पर जिसने अपनी बेटी दी आयशा, जिसने साथ आपके हिजरत की, जिसने आपको अपने आगे बिठाया खुद पीछे बैठा, उस अबू बकर पर गालियां, जिसने झाड़ू देकर सारा घर का माल मोहम्मद के कदमों में निछावर कर दिया था, उस अबू बकर को गालियां, उस अमीर माविया अबू सुफियान जिसके बारे में मेरे मोहम्मद ने कहा था जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी अमन है, शुरू में अमन की बात हुई थी ना, उसको भी अमन है। ओए सुनाओ, ये सुन्नी कौन जिंदा है, मर जाएंगे, कट जाएंगे, बच्चों को यतीम करवा देंगे, औरतों को बेवा होना पड़ेगा, अपने अबू बकर और उमर पर गालियां बर्दाश्त कर सकते हैं? हमने जाने दी हुई है, जाने दी हुई है। अल्लामा एहसान ने किस लिए जान दिया, इसलिए जान दी, इसलिए जान दी थी, सहाबा पर मत भौंको, मुल्क नहीं बचेगा, फसाद हो जाएगा। हमने अभी तक कानून को हाथ में नहीं लिया और ना लेना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, याद रखना, ये जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ऐसा ना हो इनकी जुबान ने सहाबा पर चलती रही, अल्लाह की कसम वहां भी कफन पहनकर इस्लामाबाद का मुहासरा करने के लिए पहुंच जाएंगे, नहीं चलने देंगे तुम्हारी जुबाने, नहीं चलने देंगे। अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, एहसान के बेटे जिंदा हैं, मरे नहीं है, मरे नहीं है। हम वो बात भी तुम्हें याद करवा दें, अली और माविया की लड़ाई हो रही थी, काफिर ने खत लिखा, तैयारी की हमला करके एक पार्टी को काबू कर लो, अमीर माविया को पता लगा, जवाब लिखा, अगर तूने एक कदम इधर बढ़ाया मैं अली की बैत करके तेरे रूम के अंदर आग लगा दूंगा। हम सब अपने मसलों को भून कर तेरे सामने खड़े होकर शीशा पिलाई दीवार बन जाएगी, ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा है। नंबर तीन, सहाबा पर जुबान दराजी ना कीजिए, ना करने दीजिए, जो करना है अपने बारगाहों में जो चाहे करो, अंदर करो जो चाहे करो, इब्ने सबा की औलाद जो चाहे करो अंदर करो, हमारे सहाबा पर मत भोको। नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार, अब बात जरा सख्त है, बात जरा सख्त है, दिलों पे हाथ रखकर बात करो, इस जमहूरियत की दलदल से बाहर निकलो, बड़े साल हो गए मुशरिकों की टांगों की मालिशें करते हुए, बड़े साल हो गए, जमाते इस्लामी 70 साल हो गई जमहूरियत के अंदर रगड़े खाती हुई, क्या मिला, कुछ ना मिला, कुछ ना मिला, मिलेगा कब, जब उमर के पीछे चलोगे, अबू बकर के पीछे चलोगे, शोराई निदाम आएगा। ईमानदारी से बताइए, अबू बकर की खिलाफत में अपोजिशन थी, सोचिएगा जरा, अपोजिशन लीडर था, अली अपोजिशन हो, उमर अपोजिशन हो, क्यों गैरों के निजाम पर मेहनतें कर रहे हैं? अब तो वो जो सारी जिंदगी जमातों की बुनियाद कुफर कुफर पर करते रहे वो भी आ गए मैदान में उतरे, क्या मिला, कुछ ना मिला, इस दलदल से बाहर निकलिए, ये निदाम हमारा निदाम नहीं, ये नाम लिखा हुआ है किसका, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हाय हाय हाय, क्या कहते अके कुरान मेनु पता नहीं उज्जा मार दे, पंजाबी है, पढ़ कुरान अब्दुल्ला। जवानी में मेरी मुलाकात, जब मैं मदरसे में पढ़ता था, हमारे मदरसे में आए, पहली दफा सुना, बात बात पर कुरान,
बात बात पर कुरान। आओ मैं तुमसे पूछता हूं, वो शेखुपुरा और शेखुपुरा के वासियों, इस अब्दुल्ला का भी एक वोट हो और एक कबर परस्त के मजावर का भी एक वोट हो, बराबर हो सकते हैं? जहां अब्दुल्ला खड़ा होगा सौ नहीं, ये वो है जिसके लिए रब की चूंटियां बिलों के अंदर दुआएं करती है। ये मुहद्दिसीन की जमात वो है जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं, और ये मुशरिक वो है जिसके लिए जानवर बद दुआएं करते हैं। पैगंबर की हदीस है, बारिश ना बरसी, प्यासे हो गए जानवर, जानवरों ने इन बंदों के गुनाहों की वजह से, मुशरिकों की शिर्क की वजह से, बिदतियों की बिदत की वजह से ये फिर बद दुआएं करते हैं और रब से कहते हैं अल्लाह हम भी तेरी मखलूक में से एक मखलूक, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तुम किस निजाम को लेकर चलो। और फिर आखिरी बात, नंबर चार था कि तीन था, चार, नंबर पांच ही कह दो जान छुटे यार, नंबर चार, नंबर चार, इस पर बड़ी बात हो सकती है, बड़ी बात हो सकती है। सादे हम और कोई फतवा नहीं लगाते, सादे भोले शायद ऐसे असेंबली में जाएं फिर चढ़ जाएं फिर काबू कर जाएं और फिर इस्लाम नाफिज कर दें, ये तो मेरे पैगंबर का तरीका ही नहीं था, तरीका ही नहीं था, तरीका ही नहीं था। अलम तरा इला الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه اقيموا الصلاه, हाथों को रोके रखो और नमाज पढ़ो, भी तैयारी का वक्त है। देखो मुल्क में माशाल्लाह लगते रहे, अमेरिका को तकलीफ होती है जी? होती है। जमहूरियत को खतरा, माशाल्लाह नहीं चाहिए, एड बंद, एड बंद, जमहूरियत को खतरा। जो निजाम किसी काफिर को पसंद आए वो किसी मुसलमान का निजाम हो सकता? आप खिलाफत की बात करो और दुआ करो, आज ये हजारों का जो मजमा मौजूद है, दुआ करो अल्लाह इन मुसलमानों को खलीफा नसीब फरमा। और फिर वही बात, दो नंबर दाइश वाला खलीफा नहीं है, खलीफा बैठा इंग्लैंड की गोद में बैठा उधर, ये नहीं, अल्लाह हकीकी खलीफा अता फरमा और इस मुल्क की हिफाजत फरमा। यहां थोड़ी सी खिलाफत की बात करो ना, जगाओ इनको, तुम्हारा निजाम खिलाफत और अमारत है। अमेरिका कहता है पकड़ो इनको दहशतगर्द, फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त है। और जमहूरियत की बात करो, कहता हमारे 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 उनका निजाम जो चलाने वाले, आए निकलो इस दलदलों से निकलो। आप कह सकते हैं निकल के क्या करें, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था, पास हो गए या फेल होकर गए? पास, पास होकर गए, हर नबी पास होकर गया। याद रखना इनकलाब जरूर आएगा, आएगा, ये धरती कब्रों से पाक होगी, जमहूरियत का जनादा इस मुल्क से निकलेगा। हम ना हुए तो ना हुए, कल हशर के मैदान में कहेंगे अल्लाह हम इस कुफर की मुखालफत करते रहे और खिलाफत की दावत देते रहे, हम इस जो तूफान उठा है इस्लाम का जिसने हर कुफर को बहा कर रख दिया, उस तूफान को उठाने वालों में एक सैयद और कारी अब्दुल रहमान का नाम भी था, कारी अब्दुल बासित शेखुपुरी का नाम भी था। अल्लाह हम भी थे, हम भी थे। निकलो इस दलदलों से, निकलो इन मुशरिकों के चंगलों से, बहुत हो चुका, अब असल इस्लाम की तरफ आओ, तौहीद की दावत दो, मुल्क को बचाओ फिरका वारिया से पाक। नंबर पांच और आखिरी बात, आखिरी बात करूं कि छुट्टी कर दूं? अच्छा कर देता हूं, कर देता हूं। कारी अब्दुल रहमान साहब को बेशक यह आपने इशारा किया। नंबर पांच, बड़ी अहम बात है, पल्ले बांध दो। जनरल कर्नल ब्रिगेडियर कोर कमांडर कौन है? अक्सरियत मेरे पैगंबर के सहाबा पर भोंकने वाले, खत्म नबूवत के डाकू, मैं कुरान और सुन्ना मूवमेंट इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह तआला हश्शाम इलाही ज़हीर उनको कहता हूं एक कैडेट कॉलेज का क्याम करो, उसका नाम एहसान इलाही कैडेट कॉलेज,
उसमें इन शाइनिंग स्टूडेंट को भर्ती करो, इनकी तैयारी करो और पाकिस्तानी फौज के अंदर इनको भर्ती करो, तवीरुल मियाद मंसूबे बनाओ, इन सर्बियों की ब्रेन वॉशिंग करो, इस सुन्नी कौम को जगाओ। ये कल को जनरल और कर्नल जब इस फौज के बनेंगे फिर कोई साहब पर भौंक सकता? ये करने का काम है। नंबर 5, हुजरों से निकलो, अब बाहर निकलो, मदरसे अपनी जगह पर, याद रखिएगा ये मदरसे, ये जामिया और जामियात, ये इस्लाम की असास है, ये बुनियाद है। अगर ये ना रहे तो दीन ना रहेगा, दीन ना रहेगा। लोगों ने कहा है मदरसों में कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो, और प्राइम मिनिस्टर भी कहता है इनको कौमी धारे में लेकर आओ। क्यों, हम कौमी धारे में नहीं है? हम कौमी धारे में नहीं है? और हम तो कौमी धारे के अंदर ऐसे हैं, तुम तनख्वाहें ना बढ़ाओ, असातिज़ा सारे असेंबली में जुलूस निकाल देते हैं, निकालते हैं कि नहीं निकालते, सील कर देते हैं, मार धार करते हैं। हर महकमा पाकिस्तान का एक महकमा, मुसल्ले का महकमा, ये इतना गरीब है कि मस्जिदों वालों के इंतजामिया के घरों में कारपेट, एसी और कारी असलम का मकान, 3 बच्चे, 2 बच्चियां, 1 उसकी बीवी, खस्ता हालत मकान। ये मुसल्ले का इमाम उस पुराने घर में रहे, बारिशें हों तो वहां पर 5-5 जनादे इकट्ठे उठे। कभी इसने हड़ताल की है? तनख्वाह कम है, कोरोना लग गया मैं भी घर बैठता हूं? नहीं, कोरोना लगे तब भी ये मुसल्ले पर, कोरोना लगे तब भी ये मिंबर पर। ये मुसल्ले का इमाम ये ना हो तो तुम्हारा मुल्क एक दिन ही रहेगा। और जब हुक्काम ने कुरान की तालीम तर्जमे के साथ लाजमी करार दी, अब लिबरल भौंक रहे हैं, मोमबत्तियां आंटियां भौंक रही हैं कि इन इंजीनियर बनने वालों पर इजाफी बोझ पड़ रहा है, जो बुखारी पढ़ते हैं उन पर इजाफी बोझ है। हाय हाय हाय। नंबर 5, एक यूनिवर्सिटी कायम करो इस्लामाबाद के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी का नाम हो साजिद मीर यूनिवर्सिटी। तायद करते हो नाम की कि नहीं करते? साजिद मीर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर शाइनिंग स्टूडेंट को PhD, CSS इनको करवाओ, ये जज लगे, ये एस्टेब्लिशमेंट में जाएं, ये मुकन्नना के अंदर जाएं, ये पुलिस के अंदर जाएं, ये फौज के अंदर जाएं। जब ये कौम यहां से मुकाबले के इम्तिहान पास करके ऊपर जाएगी, फिर बिल पर गवर्नर की कलम नहीं रुकेगी। वहां वहाबी सुन्नी तौहीदी बैठा होगा, वो कहेगा कर पास, बल्कि इनमें और सिक्के भी पास कर, जिनकी अजान अलग है उनका दीन भी अलग है, जिनका कलमा अलग है वो उनका हर शय ही अलग है। ये तवीरुल मियाद मेहनत करनी पड़ेगी, फिर एक वक्त आएगा, आएगा इंशाअल्लाह। साजिद मीर यूनिवर्सिटी से निकले हुए जब AC और DC लगेंगे, कोर कमांडर कैडेट कॉलेज से ये वहां भी निकल कर लगेंगे, इंशाअल्लाह ये धरती शिर्क से पाक होगी और ये निजाम बदलेगा। इसलिए योम दिफा पर 5 नुक्ते बयान किए हैं, अल्लाह इस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।